नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य के पाथेड़ा गांव में। और गांव में आज हमारा पर्पज आने का, क्योंकि ये मुद्दा हम कई बार कई जगह उठा चुके हैं। मुद्दा पुराना है, जगह नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चों को साथ इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं। 16 साल के जतिन तंवर, जो आज इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ते थे और कल 5:30 बजे उन्होंने छत से छलांग लगा दी, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मामला पुलिस में विचाराधीन है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होगी ये आगे की बातें हैं, सजा भी हो जाएगी चलो। लेकिन मेरे साथ जो ये शख्स बैठे हैं, इनका बेटा कभी दोबारा इनके पास वापस नहीं आने वाला है, ये आपको भी भली भांति पता है, ये मुझे भी पता है। हमारे साथ आज ऐसे एक पिता बैठे हैं जो इनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। 3 बेटियां, मात्र इकलौता एक इनका पुत्र था, बड़े प्यार से लाड़ से पाला पोसा बड़ा किया, बड़े सपने थे बेटे के, इनके भी थे, अब बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता था, जिस स्कूल में हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं वो स्कूल ही हमारे बेटे का काल बन जाएगा और हमारे बेटे को कहीं ना कहीं वहाँ से कूद के अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल की बात रिवाड़ी में, और इनके पिताजी मेरे साथ बैठे हैं ख़ास बातचीत में। हम हरियाणा राज्य जिला महेंद्रगढ़ के पाथेड़ा गांव में मौजूद हैं। सर नाम बता दें। बलबीर सिंह नाम। बलबीर सिंह तंवर मेरे साथ मौजूद हैं और जितिन तंवर इनके बेटे थे, ये 3 बेटियाँ बची हैं, यहाँ पर नीचे बैठे हैं। 100 का कुल परिवार है, लोग ढाढ़स बधाने आते हैं और तरह तरह के आश्वासन देते हैं और इनका मन खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शायद ही बात धूमिल भी हो जाएंगी, लेकिन बेटा तो वापस आ नहीं सकता। बलबीर सिंह तंवर साहब, हम आपको देखो दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन बात दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। क्या वाक्य हुआ, क्या क्या घटना हुई, बेटे को छत से कूद के अपने आत्महत्या या फिर सुसाइड करना पड़ा, ऐसी क्या समस्या आ गई? मेरा लड़का इतना कमज़ोर नहीं था जो सुसाइड करे, सुसाइड तो उसने किया ही नहीं। ये जहाँ तक मेरे को लगता है ये मर्डर है, और मैं ये चाहता हूँ जो भी भाई देख रहा हो सुन रहा हो प्रशासन, मेरे बेटे के साथ में इंसाफ हो और पूरी उससे तहकीकात करी जाए, अगर मेरे इस लड़के के साथ में क्या हुआ, मुझे उस चीज़ के लिए मतलब इंसाफ चाहिए। और मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो मेरे को सुन रहा हो देख रहा हो, भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा लेना, सैनिक स्कूल में मत भेजना बच्चे को कभी भी। अपने बच्चे को क्या किसी को मत भेजना सैनिक स्कूल में, ना तो वहाँ पढ़ाई है, पढ़ाई नाम की तो मतलब ही नहीं है। और वहाँ का स्टाफ इतना है कि पर्सनल काम बहुत बच्चों से ज़्यादा करवाता है, उनका सोशल ज़्यादा करता है, पढ़ाई नहीं होती है वहाँ पर, पढ़ाई नाम कोई मतलब नहीं है। बच्चों को जब टॉर्चर किया जाता है कि बच्चा वहाँ पर किसी भी कंडीशन में मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता। मेरा बच्चा इतना कमज़ोर नहीं था वो सुसाइड करेगा, ये लोग बोल रहे सुसाइड नहीं किया उसने, मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है वहाँ पे। और ये वहाँ का स्टाफ, वहाँ के क्या नाम है हाउस मास्टर या वहाँ के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ये उन सब की लापरवाही है। जब मैंने अपना बेटा उनको सौंपा हुआ है, उनको दे दिया, तो मैं तो निश्चिंत हो गया ना, मेरा बेटा वहाँ पे है। और वहाँ जाके देखता हूँ तो वो बोलते हैं जी आपका लड़का तो वहाँ से जज से कूद गए, मेरी क्या गलती है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। मेरा दो चिराग बुझ गया ना, उसका मैं क्या करूँ, बताओ मेरे साथ कब इंसाफ होगा, मेरे बच्चे के साथ कब। बस ही मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, मेरे साथ इंसाफ हो जाए, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो जाए, और आने वाले किसी बच्चे के साथ में ऐसा ना हो, मैं तो यही कहूँगा भाई।
इनके मामा जी मेजर हैं मेरे साथ, इनसे जानते हैं, ये फौज के हैं, मेजर हैं, इनसे भली भांति बारीकी और कौन जानता होगा। आखिर मसला है क्या? पिताजी कलेजा फाड़ फाड़ के रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, सबको पता है। इनके पिताजी ने कहा है, मैंने मेरे कलेजे के टुकड़े को स्कूल को सौंपा था तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे बेटे के साथ अगर अक्सर है, हो क्यों गया ये, मुझे मेरा बेटा चाहिए। क्या आप दे सकते हैं इनके बेटे को? क्या वापिस ला सकते हैं इनके पुत्र को? बलबीर सर साहब, बच्चे को कब आखिरी बार अब मिले, कब भेजा स्कूल में? रक्षाबंधन पे, रक्षाबंधन वाले दिन मैं वहाँ गया था, बेटे का गेट पास था, मेरी बड़ी बेटी अंजलि आई हुई थी, मैं उसको सुबह लेके आया हूँ, पूरे दिन इंजॉय किया है बेटे ने मेरे साथ में, बेटे के साथ में, हम यहीं थे अच्छी तरह रात। शाम को मैं बेटे को घर छोड़ के वहाँ पर स्कूल छोड़ के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की कोई उसने ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की मेरे से, अगर पापा को ऐसी कोई दिक्कत है या कोई वो है नहीं। राखी बांध के गया, बंधवा के गया अपनी बहन से। आपके साथ कैसा व्यवहार है परिवार के साथ बच्चे? मेरे साथ तो मतलब ये लगा लो हमारे एज ए फ्रेंड, कभी भी कोई बाप हार्ड एंड स्टिक हिटलर बाप वो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे से तो बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत मतलब इतना वो था कि बस कोई बात हर बात में से शेयर करता था, कभी किसी चीज़ का, और ना ही कभी उसने बताया कि मेरे पे पढ़ाई का प्रेशर है कुछ ऐसा है। आपके कुछ वर्डन आप पढ़ाई पे ज़्यादा, आप तो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बेटा आपको इतना बड़ा बनना, बड़ा बनना, बड़ा बनना, नहीं, नहीं कोई कभी भी नहीं। मेरे मैंने कभी, मेरे चार तीन बेटी एक बेटा है, मैंने कभी किसी को भी नहीं बोला बेटा तुमने ये कर, जो तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। मेरी तीन बेटियाँ हैं, बड़ी दो चंडीगढ़ में पढ़ रही हैं और छोटा बेटा था जो मैंने यहाँ सैनिक स्कूल में डाला हुआ। किसी बच्चे पर कोई वो ना, कब डाला था अपने स्कूल में इसको? मैंने सिक्स क्लास से डाला था। किसने बताया आपको सैनिक स्कूल? मेरे फादर इन लो ये अपने रेवाड़ी सैनिक स्कूल में, मेरे फादर इन लो आर्मी में थे, सूबेदार मेजर से पेंशन आए हुए थे, उनकी ही रुचि थी, उन्होंने एडमिशन करवाया था। क्या बनाना चाहते? ऑफिसर बनाना चाहते थे, हमारे भी अरमान थे भाई थोड़ा सा अच्छा है, चलो गांव में भी लगेगा और दक्षिण हरियाणा में लगता है भी, एक भी ऑफिसर जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और ख़ास करके हम राजपूत हैं तो उसका तो थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, भाई बेटा है तो आर्मी में ऑफिसर बनेगा तो कुछ अलग शान समझते। लेकिन क्या करें, हमें तो इस घटना ने झिझोड़ दिया, ख़ास करके ये लगाओ कि पूरा परिवार टूट गया मेरा, मेरी तो ज़िंदगी हो ही ना हुई, बेकार हो। आपको कब पता चला, किसने फ़ोन किया आपके पास, आपका बेटा इस तरीके से छत से जो बता रहे हैं? हाउस मास्टर मुरली 5:30 बजे मेरे को उसने फ़ोन किया, सर ऐसे ऐसे आपके बेटे ने छत से छलांग लगा दिए और आप रेवाड़ी आ जाइए, हम रेवाड़ी लेके जा रहे हैं। मैं रेवाड़ी गया हूँ, रेवाड़ी पहुँच गया तो मैं 6:30 बजे करीब मैं गया हूँ वहाँ पर, तो मैंने पूछा सर क्या हो गया? नो सर आपका जो बेटा है वो डेड हो गया। कैसे कैसे हुआ? मैंने उनसे पूछा, बोला जी पहली बिल्डिंग से छलांग लगाई है, फिर उनके साथ वाले थे दूसरी से मैंने पूछा, वो बोल रहा नहीं जी वो दूसरी बिल्डिंग से छलांग लगाई, मतलब उनकी स्टेटमेंट अलग अलग सभी की, एक बोल रहा है बाहर वाली बालकोनी से कूदा है, दूसरा बोल रहा है पीछे वाली बालकोनी से कूदा है, एक ने मेरे को बताया 5:30 बजे ये हुआ है, एक ने मेरे को बताया जी 4 बजे, मुझे कुछ बताया जा रहा है और पुलिस को कुछ बताया जा रहा है। सुसाइड नोट के बारे में जो आपको बताया था, मुझे सुसाइड नोट नहीं दिखाया गया, पुलिस को सुसाइड नोट दिखा रहे हैं, भैया बताओ कहाँ सुसाइड नोट है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मेरे को कुछ गलत, मुझे कुछ अलग बता रहे हैं, पुलिस को कुछ अलग बता रहे हैं, मुझे गुमराह करा जा रहा है। तो तंवर साहब, आपको क्या शंका लगती, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मतलब बेटे के साथ ऐसा? सर यही है कि मेरे बेटे के साथ में वहाँ कुछ भी हो, मर्डर हो, मर्डर तो है ही है, लेकिन वो चाहिए क्या नाम PTI से हुआ है या हाउस मास्टर ने किया है या बच्चों के साथ हुआ है, हुआ है मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, और मैं इस चीज़ की एक मतलब निष्पक्ष जांच चाहता हूँ कि मेरी आत्मा को थोड़ा संतुष्टि मिल जाए, जो मेरा बच्चा गया है उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, और आने वाले किसी बच्चे के साथ में ऐसा ना हो जो इस स्कूल में हो रहा है।
पर्सनल काम करवाए जाते हैं बच्चों से, पढ़ाई का पढ़ाई नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, टाइम पे कोई मतलब सब्जेक्ट पूरा करवाना है, पढ़ाई नाम ही कोई वो नहीं है, पर्सनल काम है वो, वायात का दंड है, पिटाई करना है बच्चों को, दंड देना है, जब चाहे जब थप्पड़ मार दिया, जब चाहे जब मुर्गा बना दिया, जब चाहे हुआ कर दिया, वो कर दिया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बिल्कुल, एक पर्सनल बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, बाप जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है बच्चों के साथ। जब मैंने बच्चा भेजा था यहाँ से, मेरे बच्चा क्रीम था, क्रीम को लेते हो आपके पास में, वहाँ बच्चा जा रहा है, टेस्ट पास करके गया है, अगर कहीं ना कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो वो स्कूल प्रशासन की कमी है, मेरी कमी है, मैं बच्चा आपके हैंड ओवर करके आया हूँ वहाँ, तो ये स्कूल की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेदारी है, लापरवाही वार्ड मास्टर की है, मेरी है, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया बच्चे पे? अटैचमेंट तो उनका ज़्यादा होता है ना, पेरेंट्स तो घर पे बैठ जाते हैं, भाई हमें तो निश्चिंत हो गए, मैं छोड़ आया मेरे बेटे को, मैं तो निश्चिंत हो गया मेरा बेटा है वहाँ पढ़ रहा है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख रहे हैं, 16-17 साल का जवान बेटा और घर से चला जाए तो उसके माँ और पिता और घर वालों पर क्या बीतती होगी, ये आप कल्पना करके ही सिहर जाएंगे अंदर से। लेकिन मैं अक्सर सभी अभिभावक जो सुन रहे हैं देख रहे हैं भारत के, अक्सर दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो जहाँ भी अपने बेटे को छोड़ते हैं, पहले तसल्ली कीजिए, आप रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन जाते रहिए उनके पास, और बेटा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन से कमरे में बेटा, बेटे के साथ रह कौन रहे हैं, वार्डन कौन है, हर चीज़ की बारीकी से अपने कलेजे के टुकड़े बेटा या बिटिया छोड़ते हैं, तो हर दूसरे दिन उनकी तसल्ली करनी चाहिए अंदरूनी रूप से अपने लेवल पे, फिर कभी कोई ऐसी वारदात ना हो, ना घटित हो, क्योंकि फिर दोबारा कोई जितिन कांड ना हो। कि सुसाइड नोट में थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगे, जो बेटे ने अपने दिल की बातें लिखी हैं कुछ, अपने थोड़ा सा इसके अंदर क्या क्या लिख के गए हैं वो थोड़ा सा, तो ये हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं इस स्कूल में पढ़ा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा तो बच्चों को मारा जाता है, बच्चों से काम कराए जाते हैं। अब मैं भी स्कूल में रहकर इनके बच्चों जैसा ही हो गया हूँ, और इसी चक्कर में आज मेरी ये हालत हो गई है। मैं बहुत स्कूलों में पढ़ा हूँ लेकिन सैनिक स्कूल रेवाड़ी से गंदा और बेकार स्कूल मैंने आज तक नहीं देखा, इससे अच्छी पढ़ाई तो और स्कूलों में होती है। मैंने भी अपने माँ बाप को बहुत बार कहा कि मुझे इस स्कूल से निकाल दो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है, आज मैं भी अपने आप को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं क्या बनने आया था और किस तरह का इंसान बनता जा रहा हूँ। कुछ इस तरह की लाइनें इसमें और लिखी हुई है, दो पेज का सुसाइड, सॉरी, जो मरने से पहले जो मृतक हैं जितिन, वो लिखे गए हैं दो पेज। बेटे ने एक दो और आपको कहा इस स्कूल से निकाल लीजिए? वो बच्चा जब ये सिक्स क्लास में एडमिशन हुआ था तो नया नया गया था, मन नहीं लग रहा था उसका, जैसे सेवन्थ में गया तो एक सीनियर बच्चे ने थप्पड़ मार दिया था उसको, उसकी वजह से बच्चा मायूस हो गया था। मैं और उनके मामा जी भी गए थे वहाँ पे, तब उन्होंने बोला पापा ऐसे ऐसे, तब मैं प्रिंसिपल के पास जाकर बात करके आया था, प्रिंसिपल साहब ने आगे से ऐसी कोई घटना ही नहीं होंगी, तो मैं इनको बस, उसके बाद बच्चे ने मेरे को कभी भी नहीं बोला कोई ऐसी कोई बात है कोई ऐसा। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, माँ बाप कलेजे के टुकड़े को कुछ बनाने की चाह में विदेशों में भेज देते हैं। हक, मेरा बेटा बहुत बड़ा नामी गिरामी इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बने, एसपी बने, डीसी बने, डीएसपी बने, बड़े पद के ऊपर,
अपने से दूर कर बैठते हैं। अब विदेशों में जाने के बाद वो लोग कभी दोबारा से इंडिया में लौट के आते ही नहीं हैं, और उनके माँ बाप अनाथ आश्रम या कलेक्टर हाउस बने हुए हैं दिल्ली में, वहाँ पे पड़े रहते हैं। कभी मेरा बेटा ज़रूर आएगा, हमारी सुध लेगा, लेकिन उनकी आस आस ही रह जाती है, वो यहाँ दोबारा आते नहीं हैं। माँ बाप की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश बढ़ चुकी है हर बेटे के लिए कि मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, टॉपर आए। इस कंपटीशन के ज़माने में हम क्या खोते जा रहे हैं, क्या पाते जा रहे हैं, ये ज़रूर सोचिए, क्योंकि हमें कंपटीशन नहीं चाहिए, हमें सॉलिड बच्चे बनाने हैं, हमारे पास रखने हैं हमारे बेटे। साहब हम अंग्रेजी ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन आप ज़मीन से जुड़ के नहीं रह सकते, आप माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जहाँ भी बेटा पढ़े अपने बेटे की केयर ज़रूर करें, बेटे की केयर करें, जितनी कोशिश हो सरकारी विद्यालय या अपने नज़दीक लगते विद्यालय या कॉलेजों में ही ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई करवाए, ताकि वो भी सही रहें, माँ बाप भी जिंदगी भर खुशी रहें। क्योंकि विदेशों में जाके या किसी दूसरे स्टेट में जाके हम ज़्यादा कमा सकते हैं क्या? हम हरियाणा में रह के अपने घर के नज़दीक रह के भी वो अच्छे खासा बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारी चाह हमें कहाँ लेके जाएगी? एक बार ठंडे दिमाग से सोचना ज़रूर, क्योंकि आजकल 21वीं सदी है और होड़ सी लगी हुई है, हर चीज़ में कंपटीशन कर दिया गया है, चाहे वो खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो, कंपटीशन 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 कंपटीशन। और बचपन से जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप की एक ही रट होती है, बेटा नौकरी लगना है, नौकरी लगना है, नौकरी लगना है, नौकरी लगना है, नौकरी लगना है। बेटा इससे ज़्यादा कभी सोच ही नहीं पाता, वो नौकर बन के ही रह जाता है, कभी ये नहीं सोचता मुझे मालिक बनना है और मुझे 500 लोगों को रोज़गार देना है मेरे नीचे, कभी वो सोच ही नहीं पाता। वो नौकरी को पता नहीं बहुत बड़ा एक हवा समझ लेता है और उसका टारगेट सिर्फ नौकरी रह जाता है, मुझे नौकर ही बनना है, चाहे वो SP बनो, DC बनो, DSP बनो, कोई भी बनो, लेकिन था आखिर नौकर। साहब मैं तो हरियाणा सरकार, भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती एक और करना चाहूँगा, पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस का चैप्टर भी डाल दीजिए, ताकि मेरे देश से भुखमरी मिट जाए और मेरे देश के बच्चे नौकर बनने से कम कुरेज करें, वो मालिक बनने की सोचें। तो मैं सिर्फ आज तावर परिवार के साथ पहुँचा हूँ, हम भी इस मसले को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं इस बेटे को न्याय मिले, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पुलिस के हाथ में पूरी कमान है, तहकीकात कर रही है, क्या लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा? पुलिस सही मुकाम तक पहुंचेगी, आपके बेटे को न्याय मिलेगा, क्या सोच रहे हैं सर? देखो वो तो पुलिस प्रशासन क्या करता है उसके बाद में पता चलेगा कि उन्होंने सही किया क्या गलत किया, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने करा ही क्या है, तो अभी तक तो क्या क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सब कानून पे भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा है जी, और मैं जो भाई मेरे को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करें और मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। तो हम आज पाथेड़ गाँव हरियाणा राज्य जिला महेंद्रगढ़ में मौजूद थे, ऐसी स्टोरी अक्सर देश के किसी न किसी कोने में रोज़ घटित होती हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घटनाओं को कैसे रोका जाए। और तंवर साहब को पूरा भरोसा है कानून पे, कि मुझे भरोसा है दूध का दूध पानी का पानी होगा और बेटे को न्याय मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।